फिल्म पुष्पा में अल्लू अर्जुन का किरदार लोगों के जहन में बस गया है। फिल्म की स्टोरी लाइन में हर कलाकार का इतने बेहतरीन से गढ़ा गया था कि दर्शकों को फिल्म काफी पसंद आई थी। यही कारण है कि अब लोगों को फिल्म के सेकंड पार्ट पुष्पा दी रूल का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में पुष्पा के सामने नेगेटिव किरदार में भंवर सिंह शेखावत यानी फहद फासिल को दिखाया गया था। फहद के किरदार को भी काफ़ी तारीफें मिली थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले इस किरदार के लिए साउथ के एक बड़े एक्टर को प्रस्ताव दिया गया था। फिल्म पुष्पा के दूसरे भाग का बीते दिनों टीजर जारी किया गया। सुकुमार निर्देशित इस फिल्म में अब इंटरनेशनल मार्केट में तस्करी और पुष्पा को दिखाया जाएगा। इसके अलावा पहली फिल्म की ही तरह दूसरे भाग में भी कई कलाकार शामिल होंगे। फिल्म के पहले भाग में फहद फासिल ने भंवर सिंह शेखावत के किरदार के जरिए कहानी को और रोचक बना दिया था, लेकिन इस किरदार के लिए निर्देशक ने पहले विक्रम एक्टर को अप्रोच किया था। कमल हासन की फिल्म विक्रम यदि आपने देखी है तो आपको संधानम का किरदार और उसकी धांसू एंट्री याद होगी। हम बात कर रहे हैं साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति की। कई हिट फिल्में देने वाले विजय सेतुपति ने विक्रम में डिफरेंट किरदार निभाकर सभी को चौंका दिया था। फिल्म में उन्होंने कमल हासन को टक्कर दी थी और अपने किरदार में घुस गए थे। फिल्म पुष्पा में भी भंवर सिंह शेखावत के किरदार के लिए सबसे पहले उनसे ही बात की गई थी, लेकिन डेट इशू के कारण वे इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके। यदि वे यह फिल्म करते तो शायद पुष्पा की फैन फॉलोइंग और बढ़ जाती। बता दें कि विजय सेतुपति जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म जवान में नजर आएंगे। नयनतारा और शाहरुख की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म जून में रिलीज होगी। इसके अलावा विजय कैटरीना कैफ के साथ फिल्म मेरी क्रिसमस में भी नजर आएंगे। पुष्पा दी रूल की शूटिंग काफ़ी कुछ हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म दिसंबर में या फिर 2026 की शुरुआत में रिलीज हो गई। ऐसे ही नए नए एंटरटेनिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।